फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं एक बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब अचानक से कुछ तीखा और चटपटा खाने का मन कर दे तो ये वाली चीज टिक्की ट्राई करिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे आज हम टिक्की बनाने के लिए। अब एक बड़ा सा बोल लेंगे और इसमें ग्रेट किया हुआ आलू ऐड करेंगे। अब इसमें प्याज, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची और ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने काला नमक और काली मिर्च को ऐड करके पाउडर बनाया था, इसे डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो टिक्की का बैटर हमारा रेडी हो गया। अब इसके लिए हम ब्रेड क्रम्स लेंगे कोट करने के लिए। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे, उसके बाद 1 टेबल स्पून टिक्की का बैटर लेंगे, फिर इसे टिक्की की तरह बना लेंगे। अब टिक्की में थोड़ा सा चीज़ स्टफिंग करेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से बाइंड करेंगे। तो चीज़ ऐड करने के बाद इसे अच्छे से बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसे टिक्की का शेप देंगे, उसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करेंगे। इसी तरह हम सारी टिक्की को अपने रेडी कर लेंगे। तो टिक्की बनके हमारी रेडी होगी। अब चलिए इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। अब गैस के ऊपर पैन चढ़ाएंगे। पैन में 3-4 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें टिक्की को रखेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें टिक्कियों को रखेंगे और इसे उलट पलट के लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ी सी क्रिस्पी लगने लगेगी तो इसे निकाल लेंगे। तो ये चीज़ टिक्की बनके हमारी रेडी हो गई। अब इसे निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप सॉस के साथ या खट्टी मीठी चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत खाने में टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मेरी चीज़ टिक्की की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। और सच में अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो आप देख सकते हैं कितनी चीज़ी बनी है हमारी टिक्की। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।